हे गाइस, वेलकम बैक माय लवली किचन गार्डन। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत इस हैप्पी फ्लावरिंग किए हुए गेंदा प्लांट से। आज हम इसी के केयर टिप्स के बारे में बात करेंगे कि इसे गमले में लगाने के बाद इसको कैसे केयर की ज़रूरत होती है ताकि इसमें बहुत ज़्यादा फूल आए और बड़े साइज़ के फूल आए। तो गाइस, ये मेरा 12-12 इंच के पॉट में लगा हुआ गेंदा का फ्लावर है जिसको कि मैंने कटिंग से ग्रो किया था। नर्सरी से मैंने एक ही प्लांट लाया था, बाकी ये सारे ही कटिंग से ग्रो किए हैं। नर्सरी से ये वाला लाया था प्लांट। अब देखिए, इसमें हैवी फ्लावरिंग करने के बाद कुछ कलियां हैं और कुछ स्पेंट फ्लावर हैं और कुछ न्यू फ्लावर जो कि अभी ब्लूम कर रहे हैं, और ये सारे ही कटिंग से ग्रो किए हैं मैंने। इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फूल है। ये देखिए, एकदम गुच्छे गुच्छे से इसके फूल आते हैं जिसका कि गजरा वगैरह बनाया जाता है, मंदिरों में माला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वही वाला ये फूल है। तो अब आइए इसके केयर टिप्स के विषय में बात करते हैं। गाइस, इस प्लांट को अगर आप उगाने की बात करें तो इसे कटिंग से और बीज से और इसकी लीफ से भी ग्रो हो जाता है। लीफ को मैंने ग्रो किया था। लीफ में रूट तो बहुत जल्दी निकल जाती है लेकिन बेबी प्लांट बनने में बहुत लंबा समय जाता है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कटिंग से ग्रो करें। कटिंग से ग्रो किए हुए गेंदे के पौधे में बहुत ही जल्दी से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही जल्दी हमको फूल मिलने लगता है। गमले की बात करें तो इसे आप 10 से 15 इंच के गमले में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये वाला मेरा 12 इंच का है और ये भी दोनों 12-12 इंच के गमले लगे हुए हैं, गमले हैं जिसमें ये प्लांट लगा हुआ है। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी इसमें आप आधा हिस्सा गार्डन सॉइल और आधा हिस्सा आप इसमें गोबर की खाद रखें। उसमें अगर आपके पास चावल की भूसी है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइस, इसकी मिट्टी की बात करें तो आप गार्डन सॉइल के साथ कंपोस्ट मिलाकर इसको लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। अगर आपके पास कोकोपीट है तो यूज़ करिए, नहीं है तो जाने दीजिए। और विंटर में वैसे भी कोकोपीट का उतना कोई ज़रूरी नहीं होता है। सैंड भी ऑप्शनल है, चाहे तो मिलाएं चाहे तो ना मिलाएं। उसके बाद बात करें इसको पानी देने की, तो इसको भुरभुरी मिट्टी पसंद होती है। आप मिट्टी को इस तरीके से भुरभुरा बना के रखें, सुबह शाम इसमें ज़रूर पानी दें, ओवर वाटरिंग ना करें। और थोड़ी सी गीली मिट्टी इसको पसंद होती है। डिजीज़ की बात करें तो इस पर पत्ता मरोड़ नामक एक बीमारी लगती है और मिली बग लगता है। मिली बग के लिए आपको मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ जो कि आपके घरों में इस्तेमाल रखा रहता है, यूज होता है, वाइट सिरका। उसको आप पानी में डिजॉल्व करिए, मतलब एक चम्मच सिरके में आधा लीटर पानी में डिजॉल्व करके आप इस पर डाल सकते हैं। उससे ये होगा कि इस जो भी मिली बग होगा या फिर माहो होगा, कुछ भी कोई किसी भी प्रकार के कीड़े लगेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा पत्ता मरोड़ के लिए है, तो पत्ता मरोड़ के लिए सबसे अच्छा होता है शैम्पू को पानी में डिजॉल्व करके उस पर स्प्रे कर देना, तो उससे भी पत्ता मरोड़ की समस्या ख़त्म हो जाती है। फर्टिलाइज़र की बात करें तो जब इसमें ब्लूमिंग होती है तब आप इसमें गोबर की खाद, मिक्स फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट या फिर DAP, NPK, बोन मील लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है, वो सारे ही चीज़ आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी फर्टिलाइज़र है तो आप इसको डाल सकते हैं। तो आपके पास कौन सा फर्टिलाइज़र है आप चेक कर लीजिए। अगर आपके पास कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है तो उसकी जगह आप किचन में निकलने वाले जैसे कि प्याज के छिलके से आप फर्टिलाइज़र बना के यूज़ कर सकते हैं, हरे छिलके से बना के यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फर्टिलाइज़र को देते कैसे। जैसे हमारे पास देखिए ये मिक्स फर्टिलाइज़र है, इसके विषय में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। इस मिक्स फर्टिलाइज़र में देखिए DAP होता है, NPK होता है, पोटास होता है और मस्टर्ड केक होता है, बोन मील होता है, ये सारे ही चीज़ें, मतलब 4-5 फर्टिलाइज़र को मिला के ये फर्टिलाइज़र बनाया जाता है और ये प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चाहे वो वेजिटेबल हो या फ्लावरिंग कोई भी प्लांट हो, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, इस पर कोई नाम नहीं लिखा रहता है, सिंपल पॉलीथीन में ही होता है। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं यूज़ कैसे करते हैं। कोई भी फर्टिलाइज़र हमें डालने से पहले हमें करनी होती है अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई। गुड़ाई करने के बाद हमें फिर इसमें दे देना होता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र के बाद हल्का सा पानी दे देना होता है। पानी देने से ये होता है ना कि जो भी फर्टिलाइज़र होंगे वो थोड़ा सा गलेंगे और रूट तक वो पहुँचेंगे। याद रखें, पानी हमें बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं देना है। तो हमने जैसे देखिए इसको दे दिया, बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना होता है, एक
15 इंच या 12 इंच के गमले के लिए आधे चम्मच से भी कम का इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम देंगे इसमें पानी। तो गाइस देखिए, अभी फर्टिलाइज़र दे दिया, अभी बारी होती है पानी देने की। पानी देने से, बहुत कम पानी देना है, पानी देने से जो भी हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं थोड़ा सा लिक्विड होके वो रूट में चले जाते हैं। एंड गाइस ये देखिए, फूल तो खिल रहे हैं, साथ के साथ आगे भी मुझे फूल मिलता रहे इसके लिए मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे गमलों में हमने लगा रखी है। देखिए कटिंग से गेंदे को उगाना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। कटिंग को लगाए 10 से 15 दिन हो गए हैं, इतना बड़ा हो गया है कटिंग। और यहीं पे मैंने देखिए 20 से ग्रो किया था, ये इतना ही बड़ा हुआ है और ये 2 से 3 महीने का हो गया है। और ये देखिए मेरे सारे की कटिंग बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ कटिंग लगाए हैं, बहुत ही अच्छे हो गए हैं और इसमें कलियाँ भी बनना स्टार्ट हो गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो